हेलो गाइस, वेलकम टू लाइफस्टाइल एनर्जिंग का। और आज मैं हूँ जैसलमेर में। ये वीडियो में लेके आ रहा हूँ राजस्थान से, खास आपके लिए। तो आज मेरे साथ है राजन, जो है कैमरा के पीछे, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ डायरेक्ट कर रहा है, और मैं हूँ कैमरा के फ्रंट में। सो थैंक्स टू राजन, मैं आज ये वीडियो बना पा रहा हूँ। सो दोस्तों, मैं और राजन हम दोनों मुंबई से निकले थे अपनी अपनी गाड़ी के ऊपर। राजन ओन करता है ड्यूक 390, मैं ओन करता हूँ डोमिनार 400। सो हम दोनों जब से टूर कर रहे हैं, अराउंड ये हमारा फिफ्थ डे है, हम लोग टूर कर रहे हैं। अराउंड 1700-1800 किलोमीटर हमारे गाड़ी के ऊपर हो गए दोनों के रिस्पेक्टिवली। सो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज ये वीडियो बनाया जाए कि फॉर टूरिंग, बिकॉज अपने इंडिया में आजकल टूरिंग का जो फैशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो गया है। बहुत जन टूर करना चाहते हैं, बहुत लोगों को सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट ट्रैवल करना है हाईवे के ऊपर। सो ये जो एक हॉट सेगमेंट है, इसमें ये दोनों गाड़ियाँ फिलहाल अंडर 2.5 लाख डोमिनेट कर रही है। मैंने सोचा क्यों नहीं अभी हमारे दोनों के पास ये गाड़ी है, क्यों नहीं हम थोड़ा गाड़ी को एक्सचेंज कर ले और उस हिसाब से आप लोगों के बताएं कि कौन सा गाड़ी लेने के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा फॉर टूरिंग। तो दोस्तों, स्टिल मैं एक पूरा ओवरऑल रिव्यू दे दूँगा आपको ये दोनों में से कौन सा गाड़ी आपने लेना चाहिए। कि डोमिनार ओनर्स या KTM ओनर्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कोई हेट नहीं यार, अपन सब भाई भाई है, सेम बाइकिंग ब्रदरहुड। तो स्टार्ट करते हैं, जो मेन क्वेश्चन है भाई कितना देती है, उससे पहले स्टार्ट करते हैं। बिकॉज अगर वो ले लेंगे तो आगे के सब क्वेश्चंस में इजी पड़ जाएगा। सो फर्स्ट, दोनों ऑलमोस्ट सेम देती है। अगर आप हाईवे पे भगा रहे हो 130, 140, 130, 140, 25, 25 या 22, 22, अगर आप आराम से क्रूज कर रहे हो 100, 110, 105, मतलब 90 से लेके 110 तक अगर आप गाड़ी चला रहे हो हाईवे के ऊपर, तो 31, 31। सो ये रहा बाद में सिटी के बारे में, सिटी में 25 एंड ये भी 25 के अराउंड देती है। राजस्थानी हॉर्न। सो कितना देती है, दोनों ऑलमोस्ट सेम देती है, तो कितना देती है से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट मैं कवर करना चाहूँगा इसका सिटी कंपैरिजन। तो सिटी में ये गाड़ी काफ़ी हल्की होने की वजह से और जो एक कॉम्पैक्ट बाइक है उसकी वजह से जल्दी जल्दी सब कुछ क्रॉस करके आगे चली जाएगी ट्रैफिक में। बट ट्रैफिक में ये गाड़ी थोड़ा हैवी है, मनूवर करने में थोड़ा डिफिकल्ट आता है और उसका जो एक टर्न एंगल बोलते हैं अपन उसको, टर्निंग रेडियस, वो कम है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत आता है इन द सिटी। मुझे खुद को पता है, मैं पर्सनली इसे ओन करता हूँ। सो सिटी में मुझे लगता है कि ये बाइक मेरे डोमिनार से अच्छा रहेगी। बट आपको ये गाड़ी में एक कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, बिकॉज इसका जो गियर रेशो है वो काफ़ी छोटे छोटे गियर रेशोज है, सो दैट आपको वो गियर्स बार बार चेंज करना पड़ेगा जब भी आप इसे सिटी में चला रहे हो। गाड़ी भागने का दोनों सेम ही है, इसका टॉप स्पीड अराउंड 155-160 है, इसका 152 है। अभी ये जो मैं टॉप स्पीड बता रहा हूँ ये ओरिजिनल टॉप स्पीड है, उसके आगे जो भी आपको यूट्यूब पे वीडियो दिख रहे हैं वो सब मोह माया है, स्लोप के ऊपर भगा के आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, अभी कंपैरिजन करते हैं हाईवे टू हाईवे। हाईवे टू हाईवे अगर आप स्टेट टू स्टेट ट्रैवल कर रहे हो तो आपका डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा रहता है, आपको ज़्यादा देर सैडल में बैठना पड़ता है और एक आपको कंपैरेटिवली एक क्रूजिंग और अच्छे से आपको गाड़ी चलाने के लिए कंफर्ट चाहिए, तो कंफर्ट ये गाड़ी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। जिस तरह के इसका एक पैर का एंगल है, एक ट्राइंगल हो जाता है, तो वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल है। एंड देन जो विंड प्रोटेक्शन है वो भी कुछ खास नहीं है। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फॉर हाईवे मैं रिकमेंड करूँगा डोमिनार। एंड अगेन, इसका जो गियर रिंग रेशो है उसमें जो लो एंड टॉक है वो भी अच्छा है, जैसे कि 6 गियर फ्रॉम 60 to 160 km/h तक एक ही 6 गियर के ऊपर आप ये गाड़ी को चला सकते हो, सो दैट आपको जो एक क्रूजिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है गाड़ी के ऊपर। नाउ अभी हम बात करते हैं कि कितना इसको जो मेंटेन करने में प्राइस लगता है उसके बारे में। तो बजाज वर्सेस KTM, ऑब्वियसली KTM का जो एक सर्विस नेटवर्क है वो चीप है, एट द चीपर साइड, मैं उसको एक्सपेंसिव नहीं बोल रहा, बट एज़ कम्पेयर टू बजाज एक 500 से 800 रुपये तक आपको ज़्यादा देना पड़ता है एवरी सर्विसिंग फॉर दिस बाइक। और इसके जो अगर पार्ट की भी बात करें तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव रहेगा, वो भी ज़्यादा नहीं, एक 200-300 रुपीज़ ही एक्सपेंसिव रहेगा एज़ कम्पेयर टू दिस डोमिनार, क्योंकि ये बजाज का है, सो दैट इसका जो एक प्राइसिंग है वो कम रहेगा। तो अभी आते हैं मोस्ट सब्जेक्टिव टॉपिक की लुक्स। सो लुक्स में डोमिनार या ड्यूक ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। आपको अगर ड्यूक का एक एजी जो लुक है वो पसंद है तो डेफिनेटली ड्यूक आपके लिए बनी है, और अगर आपको डोमिनार का एक मस्क्यूलर फील पसंद है तो डोमिनार आपके लिए बनी है। दोनों ही गाड़ियाँ आपको चाहे आप उस तरह से मॉडिफाइड कर सकते हो, बिकॉज वो गाड़ी का ओनर आप रहते हो, सो आप उसे हर चीज़ आप मॉडिफाइड कर सकते हो, लुक वाइजर लगाओ, पैनियस लगाओ या फिर और कुछ करो, वो सब आप अपने गाड़ी में दोनों में कर सकते हो।
तो दोस्तों अभी मैं आता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि भैया दोनों में से कौन सा लेना है उतना बता दो। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप 6 महीने में 3 या 4 बार लॉन्ग लॉन्ग टूर्स पे जाते हो, मतलब 6 मंथ में आप 1 मंथ तो टूर के ऊपर ही रहते हो, एंड आप हाईवे टू हाईवे ज़्यादा चलाते हो, सिटी में आपका ज़्यादा बाइक का यूज़ नहीं है, देन गो फॉर दिस डोमिनार। और अगर आप सिटी यूज़र ज़्यादा हो, मीन सिटी में आप गाड़ी ज़्यादा चलाते हो और 6 मंथ में एक आधा वीक आप बाहर जाते हो टूर के लिए, देन गो फॉर KTM ड्यूक। बिकॉज ये जो ड्यूक गाड़ी है ये आपको भागाने में मज़ा आएगा, हैंडलिंग जो है वो सबसे अच्छा है, ब्रेकिंग इससे बहुत ज़्यादा अच्छा है इसके ऊपर है कॉज ऑफ फ्रंट ब्रेक पैड, देन एक हैंडलिंग, और अगर आपको मीन्स एक स्पोर्टी राइड करना है, कॉर्नर्स करना है, तो ये गाड़ी बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको क्रूजिंग करना है, आपको एंजॉय करना है रोड को, आपको ट्रैवल करना है स्टेट टू स्टेट, सो डोमिनार अच्छा रहेगा। तो अभी आपके ऊपर है आपको कौन सा लेना है, तो प्लीज़ बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सा गाड़ी बाय करने जा रहे हो दोनों में से। एंड हाँ, प्राइस फैक्टर 50,000 महंगा है भाई डोमिनार से। एंड होप सो मैं जो राजस्थान सीरीज है वो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज थोड़ा टाइट टाइम टू टाइम चल रहे हैं हम लोग कट टू कट, सो उसकी वजह से वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हो रही है, होप सो आप अंडरस्टैंड करें मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।